आदाब नाजरीन, मैं शेख इमरान रोशनी टीवी की खुशी पेश कर मैं आपका खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, बारिश का जैसा आगाज़ हो चुका है वहीं पर निज़ामाबाद में मुसलसल कई रोज़ से बारिश हो रही थी, लेकिन आज जिस तरह से लगातार 10 मिनट से ज़ायद बारिश हुई वहीं पर निज़ामाबाद के कई अखिलियती इलाके जैसे अहमदपुरा कॉलोनी में अभी हम मौजूद है, जहाँ पर हर साल बारिश की वजह से यहाँ की सड़कें पानी की वजह से तंगदस्ती का सबूत देती है, वहीं पर हर साल की तरह इस साल इस तरह के दिक्कतें पेश ना आएँ, जिसकी वजह से बोधन रोड पर जिस तरह से पुराना कलवट था उसको तामीर करने के लिए बजट सैंक्शन किया गया, जिसमें गणेश गुप्ता के हाथों का इस कामों का, लेकिन अभी तक 5 महीनों से ज़ायद अरसा गुजर चुका है पर अभी तक भी वो कलवट का काम नहीं हुआ। इसकी वजह क्या है? लॉकडाउन की वजह से रुका, ये आवाम को फिर भी इस मुसीबत से बचाने के लिए इस कलवट का काम, कलवट जल्द से जल्द अगर तामीर हो जाए तो हो सकता है कि इस तरह का मंजर हमें देखने ना मिले। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस तरह से अभी हम अहमदपुरा के एक गुंजान इलाके में, ये गुंजान हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पानी जमा होने की वजह से आवाम के आमद रफ्त पूरी तरह से बंद हो चुकी है, वहीं सड़कें पूरी पानी तरह से लबरेज हैं और आवाम अपने घरों से बाहर नहीं कर सक रही है क्योंकि नाजरीन, जैसे कि हम अहमदपुरा कॉलोनी में मौजूद है, अहमदपुरा कॉलोनी का वो इलाका जहां पर बारिश से तमाम सड़कें भर चुकी है, आवाम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही है ताकि वो इस नाली के गंदे पानियों से बच सके। जहां पर कोरोना का कहर बरपा हुआ है वहीं पर बारिश के इस मौसम में कोरोना को हो सकता है कि फैल ना जाए, इसी की वजह से आवाम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रही है। एक तरफ कोरोना का खौफ, दूसरी तरफ बारिश का इस तरह का मौसम और जहां पर बारिश के निकासी की कोई रद्दअमल नहीं। हम यहां पर अहमदपुरा कॉलोनी में मौजूद है जहां पर तमाम सड़कें पानी की वजह से बंद हो चुकी है और कलवट के कामों को जिस तरह से आगाज़ हुआ था, लग रहा था कि इस बार बारिश में अहमदपुरा कॉलोनी की तमाम बारिश की निकासी मुकम्मल हो पाएगी, पर लॉकडाउन की वजह से जिस तरह से कलवट के कामों में रोकथाम हुई और अभी कलवट का काम 1 से 2 महीना लगने के अभी इम्कान हैं, वहीं पर यहां पर ऐसा लग रहा है कि इस साल भी अहमदपुरा कॉलोनी के हर साल की तरह इस साल भी इस बारिश के पानी से गुजरना पड़ेगा